कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है, उसका पैसा पड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आज आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। आगे की जांच करने पर हमें पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। वही कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंकों में रखे जाएं। ये 115 करोड़ बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार है, हम उससे अधिक राशि भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। ये 115 करोड़ रुपए हमारे चालू खाते से कहीं अधिक हैं। इससे पहले अजय माकन ने कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की वसूली मांगी। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव घोषणा से ठीक दो हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। माकन ने कहा, फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। सब कुछ प्रभावित होगा, ना केवल न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को गुरुवार को सूचित किया गया था कि बैंक पार्टी द्वारा जारी चेक को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। हमने हाल में जो पैसे ऑनलाइन फंडिंग के जरिए जमा किए थे, उस अकाउंट को भी सील कर दिया गया है। उस अकाउंट के करीब 25 करोड़ रुपए थे, इनमें से 95% रुपए 100 से कम हैं। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीजेपी पर हमला करते हुए बोला कि चुनावी वांड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद तो बीजेपी के खाते सील होने चाहिए। इनकम टैक्स ने उस पैसे पर तालाबंदी कर दी है जो पैसा कार्यकर्ताओं ने चंदा और सदस्यता अभियान चलाकर जमा किया था। कांग्रेस के खाते सीज होने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है, उसे सील कर दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय वो तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं, वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं।
कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब दो हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यपद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी, 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100-100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से दो हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।